हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स पर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 2000 जूल ऑफ हीट इज़ एडिड टू अ सिस्टम, यानी कि हीट ऐड करी गई है सिस्टम में 2000 जूल, एंड 2500 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन हुआ है सिस्टम पर, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हमें हीट पता है, हमें वर्क डन पता है, हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है। अगर आपने बायो एनर्जेटिक्स का वो लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो आपको ये अच्छी तरीके से आता होगा न्यूमेरिकल। एक्चुअली में यहाँ पर हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर हीट सिस्टम में ऐड की जाती है, यानी अगर सिस्टम में हीट ऐड की जाती है, तो वहाँ पर हीट जो है, यानी जो क्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्यू पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हीट सिस्टम में ऐड की गई है। उसी तरीके से अगर हम बात करें वर्क डन की, तो अगर वर्क डन सिस्टम पर होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो हीट का साइन आपको ध्यान रखना है और एक आपको वर्क डन का साइन ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो वो लेक्चर आप ज़रूर जाके देखना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हीट का साइन हमारा पॉजिटिव रहेगा और वर्क डन का साइन नेगेटिव रहेगा। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्लू, जहाँ पर डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, क्यू हीट है और डब्लू हमारा वर्क डन है। तो डेल्टा यू हमें निकालना है, तो क्यू हमें पता है प्लस साइन के साथ 2000 है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क हमारा 2500 है, यानी 2500 जूल है, तो इसको भी हम यहाँ रख देंगे। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ इसको रखेंगे, क्योंकि जब भी अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4500 जूल इसका आंसर आ जाएगा, तो डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा, 4500। तो ये हमारा सिस्टम होता है इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3000 जूल ऑफ हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम एंड 2500 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये न्यूमेरिकल भी फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम लगेगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्लू, बस यहाँ पर साइन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हीट सिस्टम में ऐड हुई है तो इसलिए हीट का जो साइन है वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है इसमें। पर वर्क डन जो है वो अब सिस्टम ने किया है, पहले न्यूमेरिकल में सिस्टम पर काम किया गया था यानी ऑन दी सिस्टम था, यहाँ पर बाय दी सिस्टम है, यानी वर्क डन सिस्टम कर रहा है। तो वर्क अगर सिस्टम कर रहा है तो वर्क डन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इस फॉर्मूला में क्यू 3000 हो जाएगा और W 2500 हो जाएगा, और ये जो माइनस साइन है ये तो फॉर्मूला का ही है, इसलिए जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 500 जूल। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर 500 जूल हो जाएगी। तो बच्चों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इन न्यूमेरिकल्स में साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिर्फ आपको वर्क डन और हीट को देख के एकदम से फॉर्मूला में रख नहीं देना है, पहले आपको उनका साइन डिसाइड करना है बेस्ड ऑन कि वो हीट ऐड हो रही है सिस्टम में या सराउंडिंग में जा रही है, वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है एट 290 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, जहाँ पर रिएक्शन है हमारी NO प्लस O2 गिव्स यू 2NO2। ठीक है, तो हमें इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा एच, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -120 किलो जूल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू -150 जूल पर केल्विन। तो इस तरीके से हमारा ये दिया हुआ है। तो अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एच हमें पता है, डेल्टा एस हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, पर सीधे सीधे हमें अभी नहीं रखना है क्योंकि हमें पहले यूनिट्स को सेम करना होगा। यहाँ पर डेल्टा एच जो है किलो जूल में है और ये जूल पर केल्विन में है, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए हमको ये जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, इसको डिवाइड कर देना होगा 1000 से। यहाँ पर जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी यूनिट हमारी किलो जूल पर केल्विन हो जाएगी।
तो जब हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच रख देंगे क्योंकि माइनस में इसकी वैल्यू ये रख दी हमने। उसके बाद टेम्परेचर रखेंगे और हमारा डेल्टा एस रखेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 77 किलो जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -77 किलो जूल। इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि इसमें डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोग समझ गए, डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करते हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ़ इन अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, वॉट कैन बी प्रोडिक्टेड अबाउट द स्पॉन्टेनियटी ऑफ द रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है तो उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है दैट मीन्स उसका जो डेल्टा एच है वो हमारा नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव है और अगर उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर एंट्रोपी उसकी डिक्रीज हो रही है तो अब हमें बताना है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, अगर होगी भी तो किस टेम्परेचर पे या क्या कंडीशन उसकी होगी। तो देखो, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है इसका मतलब डेल्टा एच तो नेगेटिव है, तो हमें बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बिल्कुल हो सकती है, पर उसकी एक कंडीशन है स्पॉन्टेनियस होने की। समझते हैं कैसे। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हम बात कर रहे हैं कैसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जहाँ पर हमारा जो हमारी एंट्रोपी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इस कंडीशन में जो हमारा डेल्टा एच है वो तो नेगेटिव है यानी माइनस साइन उसका है, ठीक है, और यहाँ पर एंट्रोपी हमारी डिक्रीज़ हो रही है यानी ये वाला फैक्टर हमारा कम है। तो हमें बताना है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस कहाँ पर होगी, यानी कौन सी कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है पर एंट्रोपी डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव है। तो हमारा अगर हमें स्पॉन्टेनियस इस रिएक्शन को बनाना है तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और इस इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा जी हमारा तब नेगेटिव हो सकता है जब ये वाला फैक्टर हमारा कम हो। अगर ये वाला फैक्टर हमारा कम होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके कम होने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कम होना चाहिए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जिस वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक तो होती हैं पर एंट्रोपी डिक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में लो टेम्परेचर पे ये ऐसी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं लो टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर लो होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है बच्चों, ये इसके बारे में बात थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन मान लेते हैं, सपोज दैट अ रिएक्शन हैज़ डेल्टा एच -28 किलो जूल। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं डेल्टा एच -28 किलो जूल है और डेल्टा एस -60 जूल पर केल्विन है। तो इसमें कहा गया कि किस टेम्परेचर पर, एट विच टेम्परेचर विल इट चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी किस टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, विल इट चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर हमें इसको नॉन स्पॉन्टेनियस करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी को हमें मोर देन ज़ीरो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव करना है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस होती है जब डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो होता है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में होती है। पर अगर हमें इसको नॉन स्पॉन्टेनियस में करना है तो हमें इसकी वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले हम टी के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टी के लिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जी को ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम पे ये बात करते हैं और डेल्टा जी को हम ज़ीरो मान लेते हैं। जब हम डेल्टा जी को ज़ीरो मान लेंगे तो इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो यहाँ पे हम डेल्टा जी को क्या रख सकते हैं, ज़ीरो रख सकते हैं। तो डेल्टा जी को अगर इस इक्वेशन में हम ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टी हमारा आ जाएगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आएगा वो 467 आएगा।
ठीक है, 467 केल्विन आएगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि 467 केल्विन पर जो एक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। इसको डेल्टा जी को यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे और फिर टेम्परेचर के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कि किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमें स्पॉन्टेनियस तो तब है जब डेल्टा जी हमारा लेस देन ज़ीरो है। जैसे ही हमने डेल्टा जी को ज़ीरो रखा, तो डेल्टा जी ज़ीरो रखने के बाद की जो कंडीशंस होंगी वहाँ पर डेल्टा जी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो मोर देन ज़ीरो हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर निकालेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो रख के, तो हमारा 467 केल्विन आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यही वो टेम्परेचर होगा जहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस होने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे बायो एनर्जेटिक्स पर। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।